और बच्चों आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कैट 2024 को अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पढ़ाई करना चाहते हो तो एक तो पढ़ाई करने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ आपको पता होना चाहिए एंड देन कहाँ से आप कैसे कर सकते हो। तो वीडियो इन शॉर्ट रहेगा, सो पूरा वीडियो देखें एंड एट लास्ट मैं बताने वाला हूँ आपको कि कहाँ से आप कैसे फ्री मटेरियल जो है वो मिल सकता है आपको, और पूरी की पूरी कंप्लीट जो है वो सिर्फ मान के चलो कि मॉक टेस्ट को आप परचेस करके पूरा पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो उसी पर हम लोग आगे यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरा टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड यूट्यूब का है, जो कि इस पीडीएफ के थ्रू आप रीच आउट कर सकते हैं या फिर आप सर्च करके वहां पे किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन है या मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ आप किसी भी एग्जाम्स को प्रिपेयर करते हो, लेट अस से अभी जैसे हम कैट की बात करें तो पहले एग्जाम का ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए, लाइक कितने सवाल होते हैं, कितने घंटे का पेपर होता है, क्या क्या सेक्शंस होते हैं, डिफिकल्टी लेवल उसकी कैसी होती है एंड पास्ट में उसके कैसे पेपर्स आए हैं। तो पूरा इनडेप्थ आपको पहले तो एक उसका आउटले आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम दिखता कैसा, होता कैसा, ये सारी चीजें। ठीक है, देन उसके बाद आपको ये समझना है कि उस एग्जाम को क्रैक करना है, आपको टॉप बी स्कूल्स में जाना है कैट को क्रैक करके, तो स्कोर्स कितने होने चाहिए कि मैं 99% लेकर के आ जाऊं। एंड सिर्फ एक साल से बनेगा क्या काम, नहीं, तो मैं लास्ट 5 साल के आपको यहाँ पे दिखाऊंगा एंड कैट 2020 वाला जो ईयर था उसको छोड़ते हुए, क्योंकि वो कोविड का ईयर था, वो एक्सेप्शन था, तो उसको छोड़ते हुए एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। एंड जैसे मैंने बात किया फ्री रिसोर्सेज, तो फ्री रिसोर्सेज के लिए वीडियो लिंक आपको कहां से मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा नहीं मिलेगा, सारी चीजें आपको बताऊं। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पहला सेक्शन कैट में हमारे पास जो होता है वो वीआरसी का होता है, 24 क्वेश्चन होते हैं एंड 40 मिनट्स का। दूसरा सेक्शन हमारे पास, मैं जिस ऑर्डर में सेक्शन लिख रहा हूं इसी ऑर्डर में ही आपको सेक्शन एग्जामिनेशन हॉल में मिलेंगे एंड सेकेंड आपको एलआरडीआई का होता है, 20 क्वेश्चन 40 मिनट्स। थर्ड आपके पास क्वानिटेटिव एप्टीट्यूड का आ जाता है एंड दिस इज 22 क्वेश्चन एंड 40 मिनट्स की। ना मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूं तो हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलते हैं, इनकरेक्ट के लिए -1 हो जाता है एंड अगर आपने किसी सवाल को नहीं बनाया तो ऑब्वियस है कि आपको कोई मार्क्स मिलेगा नहीं, राइट। लेकिन एक और यहाँ पे कैच क्या है कि अगर लेटेस्ट से कि आपने कोई भी क्वेश्चन को बनाया और वो क्वेश्चन नॉन एमसीक्यू था, दैट इज द टीटा बेस्ड क्वेश्चन, और वो गलत हो गया तो भी आपके कोई मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट नहीं होंगे, आपको 0 मार्क्स मिलेगा, माइनस नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो नॉन नेगेटिव वाले वो क्वेश्चंस को आप चाहो तो अटेम्प्ट कर सकते हो बिकॉज एटलीस्ट कुछ माइनस नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं कि आप, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आप किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उसको पूरा इनडेप्थ जानने के लिए कि किस टाइप का वो सवाल पूछता है, आगे प्रिडिक्शन करने के लिए आपको लास्ट 5 साल का पता होना बहुत जरूरी है बिकॉज ईयर ऑन ईयर थोड़े वेरिएशन होते हैं, तो वो वेरी कैसे कर रहा है, कौन से सेक्शन से कब ज्यादा सवाल पूछ रहा है, कब अरिथमेटिक को, कब अलजेब्रा को वेटेज दे रहा है, कब एलआरडीआई टफ हो रहा है, कब क्यूए टफ हो रहा है, बीआरसी क्या हमेशा आसान रहता है क्योंकि लोग बीआरसी में ज्यादा स्कोर कर पाते हैं। तो इन सब चीजों का क्वेश्चन का आंसर करने के लिए एंड अपने आप से हर एक क्वेश्चन जो भी आप पूछ रहे हैं उसको क्लियर करने के लिए आपको लास्ट के 5 साल के कैट के पेपर्स को देखना ही चाहिए। इनफैक्ट कोई और भी अदर एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं तो इनफैक्ट उसके लिए आपको, अब यहाँ पे एक चीज और समझ में आती है कि भाई आपका स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए ना। ये स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको कैसे पता चलेगा कि आपका क्या स्ट्रेंथ एरिया और क्या वीकनेस एरिया, मैं इसका सिंपल सिंपल से एक ही चीज आपको बताता हूँ कि आप कहीं से भी, मतलब पूरे गूगल में आप सर्च कीजिए और देखिए कि कैट 2024 के लिए फ्री मॉक कहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, आप फ्री मॉक देखिए कि वो कहाँ पे अवेलेबल है, मैं आपको फ्री मॉक के लिए भी बता दूंगा एट द एंड कि फ्री मॉक कहाँ पे अवेलेबल है। और आपको अगर नहीं मिलता है तो इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फ्री मॉक का मैं लिंक भी दे दे रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे आप फ्री मॉक, एक नहीं दो दो फ्री मॉक मैं आपको बोलता हूँ कि आप दो फ्री मॉक ढूंढिए, ऑनलाइन ढूंढने के बहुत सारे मिलेगा, कम से कम 2 मॉक दीजिए एंड आप चेक कीजिए कि आपका स्ट्रेंथ किस सेक्शन में है सबसे पहले, और जिस सेक्शन में आपके मार्क्स हाईएस्ट आ रहे हैं दोनों मॉक को देने के बाद उसमें कौन सा ऐसा टॉपिक है या सब टॉपिक है जिसमें आप अच्छे हो और किस में एकदम बुरे हो। ठीक है, जब आप इसको एनालाइज कर पाएंगे तब आपके लिए क्या होगा कि आगे की जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाएगी कि कहाँ मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए और कहाँ कम। ठीक है, आप जिस समय इस वीडियो को देख रहे हैं अभी से लेकर के कैट के लिए जितने भी मंथ या दिन बचे हुए हैं आपको उसके अकॉर्डिंग अपना आर्स बढ़ाना पड़ेगा या आप कम आर्स में भी कर सकते हैं। जैसे एक साल की अगर मैं बात करूं तो एक साल के लिए जितने आर्स आपको देने हैं तो टाइम लंबा है, तो मैं डेली 3-3 घंटे पढ़ करके भी काम निकाल सकता हूं,
यही मैं अगर 6 महीने की बात करता हूं तो मुझे ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। जो बच्चे क्रैश कोर्स या 3 महीने की बात करते हैं तो 3 महीने के केस में भाई डेली आपको 5 से 6 घंटे पढ़ने पड़ेंगे सीरियसली, ठीक है, एंड ये सेल्फ स्टडी वाला टाइम आपको देना पड़ेगा। तो वो चीजें देखें, इसमें कहीं कंफ्यूजन है तो आप रीच आउट कर सकते हैं मुझे कि सर थोड़ा एक स्टडी प्लान बता दो, गाइड कर दो, जब से अब आप प्रिपेयर करते हो। अब जैसे दूसरा मैंने बोला कि आपने जो 20 स्कूल्स टारगेट कर रखे हैं, ठीक है, ऑब्वियस है कि आईएम्स पहला टारगेट होता है एंड कुछ नॉन आईएम्स भी होते हैं। तो मैं यहाँ पे 90 टू 99 परसेंटाइल का एक आपके लिए यहाँ पे लेकर के आया हूं कि क्या रेंज में ईयर ऑन ईयर आपको 99 या 90 मिला। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि मैं ईयर 2020 को यहां से हटा दिया, ठीक है, मैं 2020 को यहां से हटा दिया हूं एंड देयर इज वन रीजन टू रिमूव दिस 2020, क्योंकि उस साल जो पेपर था वो काफी आसान था, कट ऑफ का उससे मैं न तो उसके प्रीवियस ईयर से कहीं पे उसका कोई रिलेशन निकल करके आ रहा था ना आगे वाले ईयर में, क्योंकि आगे वाले ईयर में कंप्लीट पेपर चेंज हो गया था। तो दैट इज बाई 2020 को स्किप करते हुए आप गौर से अगर ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि 99 और 98 परसेंटाइल को आप कंपेयर करें तो यहाँ पे 145 में आपको 99, 142 में आपको 98, अगर मैं 2018 की बात करूँ। ठीक उसी तरीके से हर ईयर में मैंने 99 के लिए 90 से लेके 99, आप देखेंगे यहाँ पे एक मेरा ब्लैंक है क्योंकि ये मुझे गूगल पे मिला नहीं। जितने भी स्कोर्स मैंने लिखे हैं वो गूगल पे स्कोर कार्ड को वेरीफाई करते हुए वहां पे देखते हुए, तो आपको जो स्कोर यहाँ पे दिख रहा है वो स्केल्ड स्कोर है जो कि आपको एडमिट कार्ड में स्कोर कार्ड में दिखता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना होगा कि स्कोर कार्ड जो है वो एक्चुअल हमारी जो स्कोर है और स्केल्ड स्कोर है उसमें थोड़ा सा वैरी करता है। जैसे आप किसी एग्जामिनेशन में आप किसी स्लॉट में बैठे हैं एंड वो अगर टफ है और आपने मान के चलिए कि 25 नंबर लाया, ठीक है, स्लॉट वन में, और कोई बच्चा स्लॉट टू में दे रहा था और उसने 30 नंबर लाया और वो आसान था, तो जब स्केल्ड स्कोर होगा, नॉर्मलाइजेशन होगी और आपका अगर टफ था तो आपको हो सकता है 1 या 2 मार्क का ग्रेस मिल जाए, मान के चलिए कि आपको 27 मार्क्स मिल जाए और उसको 30 से 1 या 2 नंबर क्या हो जाए, घट जाए और वो शायद 28 या 29 पे पहुंच जाए, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी डिफिकल्टी लेवल कैसी थी। सेम स्लॉट में अगर आप 2 लोग होंगे तब ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तब आपके स्केल्ड स्कोर जितनी दूसरे पर्सन की बढ़ेगी उतनी आपकी भी बढ़ेगी या घटेगी। तो आप एक्चुअल स्कोर और स्केल्ड स्कोर में थोड़ा सा मार्जिन लेकर के चलिए, बट ओवरऑल इसको अगर ध्यान में रखेंगे तो अचीवेबल होगा, बिल्कुल गारंटी। अब यहां पे आप थोड़ा सा एक आइडिया लगाएंगे तो आप देखेंगे, हालांकि आपको यहाँ पे 2018 और जो बच्चे प्रीवियस ईयर के पेपर में टोटल कितने सवाल है नहीं पता है, मैं उनके लिए बता दूं, इन तीनों में तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा अभी मैंने 66 क्वेश्चंस की बात की एंड 198 मार्क्स की बात की, ये उसी के बेसिस पे है ये 3 साल। लेकिन मैं इस दोनों ईयर की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास 100 क्वेश्चंस हुआ करते थे एंड टोटल मार्क्स मेरे 300 हुआ करते थे, तो ये 300 मार्क्स में से है, तो आप देखोगे तो ये लगभग 51-52% में, यहाँ पे भी 52% में 99 आ गया। यहां देखोगे कि जैसे ही 21 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस घट गए, आपको कम नंबर में वही परसेंटाइल अचीव हो रहा है क्योंकि 48% में ही आ जा रहा है। अब 21 से 22 में डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई तो 84 में ही वो अचीव हो गया 99, और 2023 में तो इनफैक्ट और डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई तो ये 38 में ही आ गया। तो अब यहां पे आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि 2023 वाला जो पेपर था विद रिस्पेक्ट टू द ऑल, जो अभी लास्ट रिसेंट कुछ भी ईयर्स में अगर मैं जाऊं 5-7 साल पीछे, तो इस साल में जो परसेंटेज है मेरी टोटल मार्क्स के बेसिस पे वो काफी कम लाने पड़ी बच्चों को और 99 ले गया। तो पेपर अगर डिफिकल्ट होता है तो वो बुरी बात नहीं है, आप कम नंबर में वो अच्छा परसेंटाइल अचीव कर सकते हो, बट उसके लिए थोड़ा सा मॉक का प्रैक्टिस सीरियसली होना बहुत जरूरी होता है एग्जामिनेशन से पहले। तो ये स्कोर के बेसिस पे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको कितना स्कोर करना है और ये अचीवेबल कितना होगा या नहीं। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं इनका मीडियन उठा के चलता हूँ, यहाँ पे 84 नंबर अगर मान के चलिए आपको लेके आना है तो इसका मतलब है कि 28 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे सही सही 84 मार्क्स के लिए, राइट। आप यहाँ पे 100% सही, बहुत रेयर, बहुत फ्यू होते हैं जिनका 100% सही हो सकता है, तो आप यहाँ पे आप कुछ ना कुछ 2-4 क्वेश्चंस का गलती मान के चलो, मतलब मान के चलो कि आप हो सकता है कि 34 क्वेश्चंस को अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो उसमें से हो सकता है कि 3 क्वेश्चंस आपकी रॉन्ग हो जाए, ठीक है।
बाकी 31 क्वेश्चंस अगर सही है तो आप 93 और थोड़ा गलत होकर के भी इनफैक्ट उससे ऊपर ले आओगे। तो दो तीन क्वेश्चंस का मार्जिन लेकर के चलना कि आप जितना बना रहे हो उससे दो तीन शायद गलत होने का चांसेस है, जरूरी नहीं बट उतना आप ले करके चलेंगे, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे लेके चलेंगे। जरूरी नहीं है कि 34 क्वेश्चंस में तीन क्वेश्चन गलत ही होगा, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, वो हमेशा आपकी एक्यूरेसी लेवल पे डिपेंड करता है। तो ये परसेंटेज से तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि भाई अगर मैंने 1/3 कोई अगर 1/3 भी लेकर के आता है तो वो 98 के आसपास पहुंच जाता है। तो दिस इज नॉट टफ, क्योंकि अगर मैं 28 क्वेश्चंस की बात करता हूँ 27 क्वेश्चन के, तो एक सेक्शन में मैं 8 या 9 बनाने चाहिए मुझे, जो मेरा वीक है वहां पे कम से कम तो 7+ होना चाहिए, और जो मेरा स्ट्रेंथ वाला सेक्शन है उसमें मैं 10 तक भी कर सकता हूँ, 9 भी कर सकता हूँ, ये डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं, तो जैसा मैंने फ्री रिसोर्स की बात की कि आप इन सब चीजों के लिए पढ़ कहाँ से सकते हैं, आपके दिमाग में अगर ये सवाल आ रहा था कि सर टॉपिक क्या क्या हो सकता है तीनों सेक्शन या सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे आप आई बटन पे क्लिक करो। मैंने जो है एक प्रीवियसली वीडियो बनाया था जिसमें पूरा इनडेप्थ दिया है कि आप कितने दिन में कितने महीने में कैसे आप कौन से टॉपिक को कौन से सेक्शन को खत्म करके मॉक पे पहुंच सकते हो, ठीक है, 4 महीने में 5 महीने में कैसे खत्म कर सकते हो, वो सब यहाँ पे आप इस वीडियो पे, या नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो सजेशन वाला वीडियो नीचे आ रहा है आप डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे नीचे, तो वहां से प्ले करके भी आप देख सकते हैं। लिस्ट वीडियो की जो है इससे रिलेटेड वो अटैच कर दी गई है मैंने। अब यहाँ पे जैसे आता है तो मैं बताऊं कि वीएआरसी के लिए बेस्ट फैकल्टी मैंने जो देखा है एंड जिनका मैंने पढ़ाने का तरीका एंड लोगों का फीडबैक भी जो देखा है, दैट इज वीएआरसी की सबाना साहब मैम है, अन अकेडमी पे वो पढ़ाती हैं, एंड उनकी जो प्लेलिस्ट है ना, कंप्लीट प्लेलिस्ट जिससे कोई भी पूरी की पूरी तैयारी कर सकता है, वो प्लेलिस्ट की लिंक मैंने सेव करके रखी हुई है आप लोगों के लिए, एंड वो वीडियो के एंड में आपको मिलेगा। नेक्स्ट ऑब्वियस है कि मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं अपनी बात करूंगा कि मेरे ही चैनल पे अर्थ क्लासेस पे आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एंड जिसमें LRDI का मिल जाएगा उसका भी आपको लिंक मिलेगा, एंड थर्ड जो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे भी कंप्लीट जो है वो प्लेलिस्ट बना करके रखा हूं। 3 या 4 टॉपिक यहां पे मिसिंग है जिनके ऊपर भी मैं वीडियो बना करके अपलोड करूंगा, वो 3-4 टॉपिक जो है वो फंक्शन एंड ग्राफ पे एक हमारा बचा हुआ है, एक बाइनोमियल पे बचा हुआ है, और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह मैंने अपलोड कर दी है, तो एक दो और कोई टॉपिक, हाँ एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बचा हुआ है, तो बस इन्हीं चीजों पे बचा हुआ है, बाकी सारी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी हुई है, सब है वहां पे, वन शॉट वीडियो से लेकर के डिटेल वीडियोस तक सारा कुछ मिलेगा, और इसका भी लिंक आपको, इनफैक्ट जितनी भी मैं बात कर रहा हूँ टॉपिक वाइज आपको लिंक मैं दूंगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंप्लीट प्लेलिस्ट विद द टॉपिक वाइज। नाउ अब इसके बाद आगे मैं बढ़ूं, तो लिंक जो है वो हमारे पास यहाँ पे एक्सेल सीट मैं अटैच कर दे रहा हूँ, एंड मेरी एक कोर्स अभी आई है, लॉन्च हुई है, तो इस कोर्स का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। इस कोर्स की जो राइट नाउ फीस है वो 14,000 है, बट इसको अभी स्पेशल ऑफर जो आप देख रहे होंगे पहले से आपको दिख रहा था कि स्पेशल ऑफर में आपको ओनली 7,000 में आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, बट ये 7,000 जो है फ्लैट 50% ऑफ, ये लिमिटेड टाइम के लिए है, एंड ये हमारा बैच 2 है, मतलब पहले एक बैच मैं ऑलरेडी लॉन्च कर चुका हूँ जनवरी में सक्सेसफुली, एंड जिसकी जो लोवेस्ट फी थी वो दोबारा कभी नहीं मिली, ठीक उसी तरीके से ये जो लोवेस्ट फी है ये आपको दोबारा नहीं मिलेगी, मतलब 7,000 इज द लोवेस्ट जिसमें आपको कंप्लीट LRDI सारी चीजें यहाँ पे मिल रही है आपको, आप देख सकते हैं कि लाइव क्लासेस मिल रहा है, वीकली टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट है, इन डिटेल इस कोर्स में क्या मिलेगा मैं उसके ऊपर अभी ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो में बना रहा हूँ, यहाँ पे आई बटन पे वो भी आप देख सकते हैं सजेशन में जा करके, और कोर्स को विजिट करने के लिए हमारा वेबसाइट है, उस वेबसाइट को आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आई एम श्योर कि आप जो लिंक की बात कर रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल गया होगा, और अगर आपको ओपन करने में या किसी टाइप का कोई दिक्कत हो रहा होगा, दोनों मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है आपके लिए, एक एक्सेल सीट भी अपलोड कर दिया है, एज वेल एज मैंने PDF भी यहाँ पे अपलोड कर दिया है गूगल ड्राइव के फॉर्म में, तो वो दोनों ही चीजें आप देखिए समझिए, एंड फॉर एनी कंफ्यूजन डेफिनेटली रीच आउट टू मी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।